ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 10 सीटों पर खड़े होने वाले प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने सूची में पंजाब की 6 लोकसभा सीट के अलावा दिल्ली की 3 और एक यूपी की सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में दिल्ली की 3 सीटों के प्रत्याशियों के नाम भी शामिल हैं, जो एनडीए गठबंधन के तहत कांग्रेस ने जारी किए हैं। इसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार, चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज को टिकट दिया गया है। बता दें, दिल्ली में आप और कांग्रेस एक साथ चुनाव मैदान में है। इससे पहले आप अपने 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। वहीं बीजेपी पहले ही अपने सभी 7 प्रत्याशियों के नाम जारी कर चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी ने इस बार 6 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। सिर्फ मनोज तिवारी को पार्टी ने इस बार भी टिकट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मकान में अचानक से लगी भीषण आग, नकदी समेत लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। घर में कोई नहीं था मौजूद, पड़ोसियों ने घर में लगी आग पर पाया काबू। यूपी के चंदौली में गेहूं के कटाई के दौरान हार्वेस्टर से निकले चिंगारे ने मचाई तबाही। आग से गेहूं के 25 एकड़ फसल जलकर राख, गेहूं की कटाई कर रहा हार्वेस्टर भी जला। उत्तर प्रदेश के बागपत में हाईवे पर घायल तेंदुआ खेतों में जा घुसा, करीब 9 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तेंदुआ पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि उसे ठीक होने पर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। यूपी के लखीमपुर खीरी में मछली पकड़ने का युवक पर मगरमच्छ ने हमला किया, एक हाथ धड़ से किया अलग। युवक के शोर मचाने पर आसपास काम कर रहे लोगों की भीड़ जमा हो गई। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर ही मौत, पुलिस मामले की छानबीन कर रही। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 मंजिला बिल्डिंग लेंटर का गिरने का मामला, मलबे में अभी 20 से ज्यादा मजदूरों के दबे होने की आशंका। 7 से 8 मजदूरों को मलबे से निकाला गया, मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत भी हुई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश हुआ जख्मी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, एक फरार। यूपी के बदायूं में पुलिस ने 25,000 के नामी आरोपी को गिरफ्तार किया। गाली गलौज को लेकर आरोपी ने की थी छोटे भाई की हत्या। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बहन की फावड़े से काटकर निर्मम हत्या, भाई का शव भी पेड़ पर फंदे से लटका मिला। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस मामले की कर रही छानबीन। यूपी के बलिया में अचानक आग का गोला बनी पिकअप गाड़ी, करंट की चपेट में आने से हुआ हादसा, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कर्नाटक के मंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त रोड शो, सड़क के दोनों तरफ उमड़ा जनसैलाब, प्रधानमंत्री पर समर्थकों ने बरसाए फूल। करोड़ों की बस से पता नहीं चलता वोटर का मूड। हम मोदी रंग में रंगे हुए हैं, महिला शक्ति की ताकत है, जो मोदी जी कहते हैं वो करके रहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकलेगा सत्ता का रूप। बच्चा बच्चा मोदी जी के साथ है। क्वारंटीन की जो चली है वो आगे भी पूरी चलेगी। बीजेपी का डंका बजने नहीं जा रहा है, बज चुका है। एसी बस से समस्या पता नहीं चलेगी। सबको रोजगार मिले, महंगाई कम होनी चाहिए, काम पे वोट करेंगे। आम चुनाव आम लोगों के बीच, मोदी की गारंटी पर पूरा यकीन, पूरा 100%। इस जनता को सुखी रखना है तो बदलाव अब अनिवार्य है। दिल का अब की बार चुनाव है, दल का चुनाव नहीं है। जमीन से बताएंगे जनमत का मन। सड़कें नई नई बन गई हैं, किसी कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। रिपब्लिक पर जनता का मन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मकान में अचानक से लगी भीषण आग, नकदी समेत लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। घर में कोई नहीं था मौजूद, पड़ोसियों ने घर में लगी आग पर पाया काबू। यूपी के चंदौली में गेहूं के कटाई के दौरान हार्वेस्टर से निकले चिंगारे ने मचाई तबाही। आग से गेहूं के 25 एकड़ फसल जलकर राख, गेहूं की कटाई कर रहा हार्वेस्टर भी जला। उत्तर प्रदेश के बागपत में हाईवे पर घायल तेंदुआ खेतों में जा घुसा, करीब 9 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तेंदुआ पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि उसे ठीक होने पर जंगल में छोड़ दिया जाएगा।
यूपी के लखीमपुर खीरी में मछली पकड़ने का युवक पर मगरमच्छ ने हमला किया, एक हाथ धड़ से किया अलग। युवक के शोर मचाने पर आसपास काम कर रहे लोगों की भीड़ जमा हो गई। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर ही मौत, पुलिस मामले की छानबीन कर रही। यूपी के मुजफ्फरनगर में दो मंजिला बिल्डिंग लेंटर का गिरने का मामला, मलबे में अभी 20 से ज्यादा मजदूरों के दबे होने की आशंका, 7 से 8 मजदूरों को मलबे से निकाला गया, मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत भी हुई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश हुआ जख्मी, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, एक फरार। यूपी के बदायूं में पुलिस ने 25,000 के नामी आरोपी को गिरफ्तार किया। गाली गलौज को लेकर आरोपी ने की थी छोटे भाई की हत्या, आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बहन की फावड़े से काटकर निर्मम हत्या, भाई का शव भी पेड़ पर फंदे से लटका मिला, घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस मामले की कर रही छानबीन। यूपी के बलिया में अचानक आग का गोला बनी पिकअप गाड़ी, करंट की चपेट में आने से हुआ हादसा, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कर्नाटक के मंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त रोड शो, सड़क के दोनों तरफ उमड़ा जनसैलाब, प्रधानमंत्री पर समर्थकों ने बरसाए फूल। करोड़ों की बस से पता नहीं चलता वोटर का मूड। हम मोदी रंग में रंगे हुए हैं, महिला शक्ति की ताकत है, जो मोदी जी कहते हैं वो करके रहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकलेगा सत्ता का रूप। बच्चा बच्चा मोदी जी के साथ है। करंटीन की जो चली है वो आगे भी पूरी चलेगी। बीजेपी का डंका बजने नहीं जा रहा है, बज चुका है। एसी बस से समस्या पता नहीं चलेगी। सबको रोजगार मिले, महंगाई कम होनी चाहिए, काम पे वोट करेंगे। आम चुनाव आम लोगों के बीच, मोदी की गारंटी पर पूरा यकीन, पूरा 100%। इस जनता को सुखी रखना है तो बदलाव अब अनिवार्य है। दिल का अब की बार चुनाव है, दल का चुनाव नहीं है। जमीन से बताएंगे जनमत का मन। सड़कें नई नई बन गई हैं, किसी कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। रिपब्लिक पर जनता